तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने फ्रॉम गेट 2021 इज द वीट प्लांट ट्रीटेड विथ प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड टेम्परेचर एट द सीडलिंग स्टेज. तो वीट प्लांट को सीडलिंग स्टेज में यानी जब वो एक सीड के स्टेज में था उस टाइम पे उसको कोल्ड टेम्परेचर से ट्रीट किया गया, राइट? इस तरीके से कोल्ड टेम्परेचर दिया गया. इसके बाद बोला है सीडलिंग स्टेज फ्लावर अर्लियर देन द अनट्रीटेड कंट्रोल. तो हम इसको जो है ट्रीटेड कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज अ ट्रीटेड सीड एंड दिस इज अ अनट्रीटेड वन. तो बोला यहाँ पे ये जा रहा है कि जब कोल्ड टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ ट्रीटेड को दिया गया, अनट्रीटेड के लिए नाम ही इसलिए यूज किया गया बिकॉज उसको ट्रीट नहीं किया गया है. तो बोला ये जा रहा है कि ये जो ट्रीटेड सीड है ये फ्लावरिंग जल्दी कर रहा है एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर अनट्रीटेड कंट्रोल. इसको हम कंट्रोल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट में हमारे ट्रीटेड सीड का रिस्पॉन्स देखेंगे. तो बोला जा रहा है कि जो ट्रीटेड सीड है किससे ट्रीट किया हमने? कोल्ड टेम्परेचर से. तो ये फ्लावर जल्दी कर जा रहा है. बोला है सीड कलेक्टेड फ्रॉम दीज ट्रीटेड इंडिविजुअल हाउ एवर गिव राइज टू द प्लांट दैट डू नॉट फ्लावर अर्ली. इसके बाद ये बोला जा रहा है कि इस फ्लावर से जो हमने सीड कलेक्ट किया है ये सीड ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग अर्ली शो कर रहा है. ये फ्लावर अर्ली कर रहा है मतलब कि ये जल्दी फ्लावर कर रहा है, लेकिन इस फ्लावर से जो सीड ऑब्टेन होगा इस सीड के बाद जो फ्लावर हमें ऑब्टेन होगा वो फ्लावर अर्ली बेसिस पे फ्लावरिंग नहीं कर रहा है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड. इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? तो देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए जो कोल्ड टेम्परेचर का ट्रीटमेंट होता है इसे हम नाम देते हैं वर्नलाइजेशन. उम्मीद करती हूँ आपने मेरा वर्नलाइजेशन का लेक्चर देखा होगा. तो वर्नलाइजेशन में हमने यही देखा था कि कोल्ड टेम्परेचर से जब हम प्लांट को ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर एक कॉम्पिटेंसी फैक्टर चला आता है जिससे कि वो फ्लावरिंग के फेज में मतलब स्विच कर सकता है. ऐसा कभी नहीं होता कि हम वर्नलाइजेशन दे रहे हैं तो फॉर श्योर वो लाइक फ्लावरिंग करेगा. हम ये कहते हैं कि प्लांट यूज टू गेट दी कॉम्पिटेंस फॉर फ्लावरिंग. तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस फैक्टर चला आता है. लेकिन जब हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी फ्लावर के ब्लूमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि उसके नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि उससे जो सीड बनेगा वो भी जल्दी फ्लावर करेगा. नहीं, सिर्फ उस सीड के लिए या उस फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिस पे हम वर्नलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं. तो ये जो लास्ट का इन्होंने लाइन लिखा है ना ये सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए लिखा है. बट एज बिकॉज यू नो कि कोल्ड टेम्परेचर के ट्रीटमेंट से एक सीड में क्या हो रहा है, कॉम्पिटेंसी फैक्टर आ जा रहा है जिसकी वजह से वो जल्दी जर्मिनेट होगा और हेंस उस सीड से बनने वाला प्लांट आगे चल के जल्दी फ्लावर करेगा. अब उस फ्लावर से जो सीड मिलेगा वो क्या कर रहा है और क्या नहीं ये कंसर्न हमारा होता ही नहीं है, क्योंकि वर्नलाइजेशन कब तक इफेक्ट करता है? बस यही फेज में इफेक्ट करता है और इसके आगे इसका कोई इफेक्ट नहीं देखा जाता है. तो इस बेसिस पे चले तो बोला गया है कौन सा फिनोमिना इसके यहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो नो डाउट इट्स वर्नलाइजेशन बिकॉज जो भी प्रोसेस हमने डील किया इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली कंट्रोल ग्रेविट्रॉपिज्म इन द रूट ऑफ द हायर प्लांट. तो आपको पता है कि जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो ग्रेविटी टूवर्ड्स द ग्रेविटी जो है मूव कर रहे होते हैं और ये जो ग्रेविटी की तरफ मूव करने की जो टेंडेंसी होती है इसे ही हम ग्रेविट्रॉपिज्म का नाम देते हैं. तो बोला जा रहा है हायर प्लांट में ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं जो इस ग्रेविट्रॉपिज्म को कंट्रोल करते हैं रूट में इनिशियली जो है कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं. ऑप्शंस आर क्रोमोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट इटियोप्लास्ट. तो ये जो कंट्रोल किया जाता है दैट इज थ्रू दी अमाइलोप्लास्ट. ओके, अमाइलोप्लास्ट के थ्रू ये कंट्रोल किया जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट का मैंने डायग्राम मेंशन करके रखा है. सो द ग्रेविटी सेंसिंग अकर प्राइमरली इन द रूट टिप. और अगर रूट के पार्ट की बात अगर कभी पूछा जाता है जैसे कि ये क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग CSIR में भी पूछा गया था कि रूट का कौन सा पार्ट होता है जो ग्रेविटी को सेंस करता है. तो रूट टिप एक्चुअल में ग्रेविटी को सेंस करता है. और अगर ऑर्गेनल्स की बात आती है कि कौन सा ऑर्गेनल्स ग्रेविट्रॉपिज्म को कंट्रोल करता है तो इट विल बी द अमाइलोप्लास्ट. नेक्स्ट मेंशन है इट मे इन्वॉल्व द अमाइलोप्लास्ट सेडिमेंटेशन इन द कॉलुमुलर सेल ऑफ द रूट कैप. तो यही क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा था, हमारा आंसर हो गया बी दैट इज अमाइलोप्लास्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. बोला है फाइटो एलेक्सिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन. फाइटो एलेक्सिन का उम्मीद करती हूँ आपने नाम सुना होगा. नहीं सुना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे एक बेसिक आपका कवर कर दूंगी कि वॉट इज फाइटो एलेक्सिन. तो फाइटो एलेक्सिन को देखा गया है कि ये प्लांट के डिफेंस में काम करता है. किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट. यानी जब पैथोजन एक प्लांट पे अटैक कर रहा है तो उसके डिफेंस में ये काम करता है. आपको यहाँ से पिक करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत दे के रखा है. रिगार्डिंग वॉट? रिगार्डिंग द फाइटो एलेक्सिन. आपको वो पिक करना है. तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वॉट इज फाइटो एलेक्सिन, देन वी कैन से कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ गलत दिया गया है. सो लेट्स सी कि यहाँ पे फाइटो एलेक्सिन क्या होता है. तो देखिए, ये एक आपके सामने मैंने डायग्राम दे के रखा है कि जब एक प्लांट पे अटैक होता है किसी भी पैथोजन के थ्रू, तो वो प्लांट क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करता है या कैसे कैसे रिस्पॉन्स देता है. उसमें ही कुछ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड का सिक्रीशन होता है, कुछ एंटी फंगल डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्स किए जाते हैं जैसे कि हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स. इन सभी चीज़ों को मैं स्ट्रेस फिजियोलॉजी में कवर कर चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ आपने उसको पढ़ लिया होगा. पॉलीमर सिंथेसिस भी देखा जाता है जिसमें लिग्निन एंड कैलोस का फॉर्मेशन होता है. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का प्रोडक्शन होता है जिसे हम मेनली पीआर प्रोटीन्स का नाम देते हैं, एंड इसमें फाइटो एलेक्सिन का भी प्रोडक्शन होता है. जो हमारा क्वेश्चन है वो फाइटो एलेक्सिन से ही रिलेटेड है. तो फाइटो एलेक्सिन क्या करता है, देखिए फाइटो एलेक्सिन का प्रोडक्शन मेनली कब होता है? जब बैक्टीरियल या फंगल इन्वेशन होता है. यानी या तो बैक्टीरिया अटैक किया है या तो फंगस अटैक किया है, तब फाइटो एलेक्सिन उनके अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है. यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये फाइटो एलेक्सिन क्या करेगा, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा, यानी एंटी बैक्टीरियल बेसिस पे काम करेगा या एंटी माइक्रोबियल बेसिस पे काम करेगा. एज वेल एज ये फंगल इन्वेशन के टाइम पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये एंटी फंगल बेसिस पे भी काम करेगा. आई होप इस बात से आप लोग एग्री होंगे. नेक्स्ट अगर देखते हैं तो फाइटो एलेक्सिन है क्या, ये एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जिसके पास एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल एक्टिविटी होती है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि मेनली प्लांट डिफेंस के रिस्पॉन्स में सिक्रीट करता है. कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो बहुत शुरू से ही प्लांट में लाइक प्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसी वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब अटैक होता है. उनमें से एक फाइटो एलेक्सिन भी है. फाइटो एलेक्सिन जो होता है आप देख सकते हैं ये तभी प्रोड्यूस होता है जब इन्फेक्शन होता है. मतलब कि अगर एक प्लांट है उस पर किसी पैथोजन ने अटैक नहीं किया है तो फाइटो एलेक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन बैक्टीरियल या फंगल इन्वेशन हुआ है या अटैक हुआ है उस वक्त पे ये इन्फेक्शन देखा जाएगा, मतलब सॉरी उस वक्त पे फाइटो एलेक्सिन का प्रोडक्शन देखा जाएगा. यानी हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल बेसिस पे ये प्रोड्यूस नहीं होंगे जब तक अटैक ना हो. साथ ही साथ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहें तो आइसोफ्लेवोनॉइड्स भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेस्क्विटारपिन्स भी होते हैं. थोड़ा सा अगर और डिटेल देखना चाहें रिगार्डिंग द फाइटो एलेक्सिन, जिसके पास एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, और ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी तभी शो करता है जब पैथोजन अटैक कर चुका होता है, और स्पेशली वो पैथोजन कौन सा होता है? माइक्रोब्स, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल ये एक्टिविटी शो कर रहा है. तो फाइटो एलेक्सिन जो है ये केमिकली डाइवर्स ग्रुप है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, और इसके पास स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जो कि इन्फेक्शन साइट पे मेनली एक्ट करती है. फाइटो एलेक्सिन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन मैकेनिज्म होता है जब भी एक माइक्रोब्स अटैक करता है प्लांट बॉडी पे, और उस प्लांट बॉडी पे जो अटैक हुआ है उस अटैक को रेजिस्ट करने के लिए, उससे बचने के लिए प्लांट जो है फाइटो एलेक्सिन का प्रोडक्शन करता है. ये जो है एक टाइप का आप कह सकते हो वेरियस सेस्क्विटारपिन्स आर प्रोड्यूस एज अ फाइटो एलेक्सिन. तो जो फाइटो एलेक्सिन का प्रोडक्शन होता है, फाइटो एलेक्सिन एक्चुअल में है क्या, ये एक टाइप का सेस्क्विटारपिन है. सेस्क्विटारपिन कहने का मतलब इट इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम अ टारपिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और उसमें भी जैसे कि माना जाता है कि कितने कार्बन होते हैं, तो सेस्क्वी इज स्टैंडिंग फॉर हाउ मच कार्बन, दैट इज 15 कार्बन. ओके, तो ये सेस्क्विटारपिन है, यानी 15 कार्बन का ये कंपाउंड माना जाता है, इसलिए हम फाइटो एलेक्सिन को सेस्क्विटारपिन भी कहते हैं. फाइटो एलेक्सिन इज जनरली अनडिटेक्टेबल इन प्लांट प्रायर टू द इन्फेक्शन. बोला जा रहा है कि जब तक प्लांट में इन्फेक्शन नहीं होता है तब तक फाइटो एलेक्सिन को डिटेक्ट करना मुश्किल है. तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये तभी प्रोड्यूस होगा जब अटैक हो चुका है, जब इन्फेक्शन कॉज हो चुका है, उससे पहले ये नहीं प्रेजेंट रहेगा. तो
वही मेंशन है कि फाइटोलेक्सिया आर जनरली अनडिटेक्टेबल इन प्लांट प्रायर टू द इन्फेक्शन, बट दे आर सिंथेसाइज रैपिडली आफ्टर द माइक्रोबियल अटैक. लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी सिंथेसाइज होते हैं जब माइक्रोब्स का अटैक हो जाता है. तो सून आफ्टर माइक्रोबियल इन्वेशन दे बिगिन ट्रांसक्राइबिंग एंड ट्रांसलेटिंग द अप्रोप्रिएट एमआरएनएज एंड सिंथेसाइजिंग द एंजाइम फॉर द बायोसिंथेसिस. और उसके बाद क्या करते हैं ये उस माइक्रोब्स का जो अटैक हुआ है उसके डिफेंस मैकेनिज्म में एक्ट करने वाले प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करते हैं बाई ट्रांसलेटिंग द एमआरएनए एज वेल एज बाई सिंथेसाइजिंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स दैट विल बी अल्टीमेटली हेल्पिंग फॉर गेनिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट पैथोजेनिक माइक्रोब्स और फंगस. ओके, सो फाइटोलेक्सिन एक्यूमुलेट इन कंसंट्रेशन दैट हैव बीन शोन टू बी टॉक्सिक टू द पैथोजन. और इनका एक्यूमुलेशन इतना अमाउंट में होता है कि ये पैथोजन के लिए टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं. तो ये हमने डील कर लिया कि फाइटोएलेक्सिन क्या होता है, कैसे काम करता है, राइट. दो हमने स्लाइड डील की, इसके बेसिस पे मैंने समझाया. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं और तब देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है. पहला हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. पहला है फाइटोएलेक्सिन बिलोंग टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अभी हमने देखा यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. मेनली ये किससे बिलोंग करता है, टारपिन ग्रुप से बिलोंग करता है विथ 15 कार्बन. नेक्स्ट है फाइटोएलेक्सिन हैव एंटी फंगल एक्टिविटी. ये भी हमने देखा क्योंकि जब फंगस अटैक कर रहा है तब भी ये एक्टिवेट हो रहा है, यानी तब भी ये सिंथेसाइज हो रहा है. मतलब इसके पास कैसी एक्टिविटी होगी, एंटी फंगल, जो फंगस के अगेंस्ट काम करेगा, एंटी बेसिस पे काम करेगा. ओके, नेक्स्ट देखिए तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया. नेक्स्ट है फाइटोएलेक्सिन आर अबंडेंट इन प्लांट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन का मतलब होता है देयर इज नो इन्फेक्शन. अब जब इन्फेक्शन नहीं है तब भी क्या फाइटोएलेक्सिन प्रोड्यूस होगा, क्या अबंडेंट बेसिस पे देखा जाएगा, नहीं. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली फॉल्स. हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, दैट इज सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. डी में बोला है डिफरेंट होस्ट प्रोड्यूस फाइलेक्सिन ऑफ वेरियस केमिकल नेचर. ऑब्वियसली अलग अलग होस्ट जो होते हैं अलग अलग बेसिस पे इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो जो सी ऑप्शन है, मतलब कहते हैं ना अगर ऑड वन आउट भी अगर आप करते हो तो सी ऑप्शन जो है आराम से यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है. क्योंकि फाइटोएलेक्सिन के बारे में जिन भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है या जो पढ़ते हैं वो ये बात कंप्लीट तरीके से पढ़ते हैं कि यस फाइटोएलेक्सिन का प्रोडक्शन यूं ही नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है अनटिल और अनलेस देर इज अ पैथोजन इन्फेक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी. द फिगर शोज द जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ इम्बिब्ड सीड ट्रीटेड विथ given sequence of red and far red light each exposure lasting 5 minute. तो बोला जा रहा है एक imbibed seed का मतलब क्या होता है, hydrated basis पे, मतलब जिसने जो है थोड़ा सा water gain करके रखा है जिस seed ने, उसको red and far red light दिया जा रहा है और हर एक light को 5 minute के exposure period दिया जा रहा है. The percentage of germination was scored after 72 hours in the darkness at 25 degree Celsius. उसके बाद देखा गया कि जिस सीड को ये लाइट दी गई है यानी रेड एंड फार रेड लाइट दी गई है वो कैसे जर्मिनेट कर रहा है, और इस जर्मिनेशन को स्टडी करने के लिए 72 आवर्स का टाइम लिया गया मेनली इन द डार्क कंडीशन. ठीक है, यानी डार्क कंडीशन में 72 आवर्स में देखा गया है एट 25 डिग्री सेल्सियस कि क्या ये जर्मिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. बेस्ड ऑन दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपको ये बताना है. ओके, तो हमारा काम पहले क्या होता है, पहले हम इस ग्राफ को जरा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये ग्राफ कह क्या रहा है. देखिए वाई एक्सिस पे जर्मिनेशन परसेंटेज है, यानी अब ये जो पॉइंट है ये हाई जर्मिनेशन को बता रहा है और ये वाला पॉइंट लो जर्मिनेशन को बता रहा है. उम्मीद करती हूँ आप इस बात से एग्री करेंगे. और ये है एक्स एक्सिस. अब एक्स एक्सिस पे क्या दिया गया है, अलग अलग बेसिस पे लाइट दी गई है, यानी ये दिखा रहा है कि खाली रेड लाइट दिया गया है. और खाली रेड लाइट में आप देख सकते हैं अगर हम इसको इस तरीके से मैच करते हैं तो रेड लाइट में जो जर्मिनेशन है वो इतना है.
तो मान लीजिए हम इसे हाईएस्ट नहीं कहेंगे, लेकिन हम इसे लोएस्ट भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मिडिल पोर्शन को 60 को क्रॉस कर चुका है, यानी ये हाई की रेंज में आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये 50% को क्रॉस कर चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेड लाइट की प्रेजेंस में देर इज अ जर्मिनेशन, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए वाई एक्सिस मेंशन है। तो जब रेड लाइट दिया गया तो जर्मिनेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे देख कह देते हैं कि रेड लाइट में जर्मिनेशन हो रहा है। आगे देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद क्या किया गया, रेड लाइट दिया गया सीड को, उसके बाद फिर फार रेड लाइट दिया गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए जर्मिनेशन इतना नीचे आ गया, जर्मिनेशन नीचे आने का मतलब हो गया कि ये लगभग लो के पास आ गया। तो हम कहेंगे जब आखिरी लाइट फार रेड दी गई तो देर इज नो ऑब्लिक लो जर्मिनेशन। हम इसे नो ही कह सकते हैं क्योंकि इतना कम जर्मिनेशन किसी भी एंगल से एक प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं कहलाता है। अगर हम इसको मैच करें ना, ये एकदम लो के पास ही आ रहा है, मतलब ये 20 पॉइंट पे भी ये नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, जब हमने रेड लाइट दिया, फिर फार रेड लाइट दिया, फिर रेड लाइट दिया, तो उस टाइम पे देखिए हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो ये बता रहा है कि देर इज अ जर्मिनेशन। तो अगेन हमें यहाँ से देखने को मिला कि जब रेड लाइट आखिरी लाइट दी गई तो हमें देखने को मिला कि जर्मिनेशन हो रहा है। थर्ड वाला देखते हैं, रेड लाइट दिया गया, फिर फार रेड, फिर रेड, फिर फार रेड, यानी आखिरी लाइट कौन सी है, फार रेड लाइट। और फार रेड लाइट को अगर हम देखते हैं तो अगेन देखिए जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। तो जब फार रेड लाइट दिया गया तो अगेन देर इज नो जर्मिनेशन। नेक्स्ट देखिए, रेड लाइट दिया गया, फिर फार रेड, रेड, फार रेड, रेड, यानी आखिरी लाइट कौन सी है, रेड। अब आखिरी लाइट जब रेड है तो अगर आप इसको मैच करते हैं तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे फाइनल बेसिस पे जर्मिनेशन हो रहा है। देन अगेन वी कैन से कि यस, रेड लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन। एंड अगेन देखिए, जब रेड लाइट दिया गया, फिर फार रेड, रेड, फार रेड, रेड, फार रेड, राइट। तो अगेन जो आखिरी लाइट थी वो थी फार रेड। अब जब इसको हम मैच करते हैं तो देखिए इसको आपको वाई एक्सिस से भी मैच करना है इसको। तो अगर आप मैच करते हैं तो देखिए यहाँ पे जर्मिनेशन नहीं हो रहा, मतलब फिर से जब हमने फार रेड दिया तो देर इज नो जर्मिनेशन। इससे हमें क्या जानने को मिल रहा है, व्हेनेवर वी आर गिविंग रेड लाइट एज अ लास्ट लाइट, लास्ट लाइट अगर रेड लाइट है तो हर एक केस में देखिए जर्मिनेशन हो रहा है, लेकिन जब हम आखिरी लाइट फार रेड दे रहे हैं तो जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि शायद रेड लाइट जर्मिनेशन करवा रही है, फार रेड लाइट जर्मिनेशन को रोक रही है या जर्मिनेशन नहीं करवा रही है। अब हमें इससे मिलता जुलता ऑप्शन देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से हमने रिजल्ट निकाला, क्या ऑप्शन में भी वैसा ही रिजल्ट दिया या कुछ और दिया है। बट यस, वी गॉट द कंसेप्ट कि ओवरऑल इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका मीनिंग क्या होता है। आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो देखिए पहला बोला है रेड लाइट इंड्यूस सीड जर्मिनेशन, यस वी कंप्लीटली एग्री, वेयर इज फार रेड लाइट इनहिबिट इट। अब हम जितनी बार देख रहे हैं फार रेड लाइट किसी भी एंगल से जर्मिनेशन नहीं करवा रहा है, तो वी कैन एग्री विद द फर्स्ट ऑप्शन कि यस रेड लाइट तो जर्मिनेशन इंड्यूस कर रहा है, फार रेड लाइट नहीं कर रहा है। बी में है रेड लाइट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, किसी भी एंगल से रेड लाइट सीड जर्मिनेशन नहीं शो कर रहा है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बोथ रेड एंड फार रेड लाइट इनहिबिट जर्मिनेशन, अगेन फॉल्स, दोनों जर्मिनेशन को इनहिबिट नहीं कर रहे हैं। बोथ रेड एंड फार रेड लाइट इंड्यूस जर्मिनेशन, अगेन इट इज फॉल्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ए, कि रेड लाइट इंड्यूस कर रहा है सीड जर्मिनेशन को, फार रेड लाइट नहीं कर रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आप कह सकते हो ट्रिकी है, रादर टू से, और ट्रिकी नहीं भी है, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे कि बोला है द स्ट्रक्चर ऑफ फोर प्लांट हार्मोन आर शोन, यहाँ पे चार मतलब कि फाइटो हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन का यहाँ पे पिक्चर दे के रखा है। आपको करेक्ट करेक्ट ऑप्शन को पहचानना है या करेक्ट हार्मोन के स्ट्रक्चर को पहचानना है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ कॉलियोप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास इन रिस्पॉन्स टू द यूनि डायरेक्शनल वाइट लाइट। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट था, हुआ ये था कि कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल इस तरीके से लिया गया था और जब उसको एक यूनि डायरेक्शनल एक सोर्स से आ रही लाइट के एक्सपोज किया गया था लाइट में, तो ये जो मतलब कोलियोप्टाइल था इसने इस तरीके से बेंडिंग इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर दिया था।
और ये किस टाइम पर हम ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, ये मेनली जब ऑक्सिन के रिस्पॉन्स से रिलेटेड डिस्कवरीज चल रही थी तब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल को लेकर। अब क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सिन का मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक का मतलब होता है इंडोल कंपाउंड। अब अगर आप इन केस स्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखते हो या ध्यान से पढ़ते हो तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, और अगर नहीं तो दिस इज जस्ट यू नो अ टाइप ऑफ अ वार्निंग विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन, कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपको एक वार्निंग देने का भी काम कर रहा है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो क्योंकि हमको पता है ऑक्सिन होगा इसका आंसर, क्योंकि बेंडिंग इफेक्ट जो था कोलियोप्टाइल में वो ऑक्सिन के रिस्पॉन्स में ही देखा गया था, जब यूनिडायरेक्शनल लाइट को मेनली एक्सपोज किया गया था कोलियोप्टाइल से। तो अगर हम पिक्चर देखते हैं तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिन। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगी कि जितने भी फाइटो हार्मोन हमने पढ़े हैं ना, एक बार एटलीस्ट आप सबका स्ट्रक्चर देख के रख लीजिएगा। जैसे कि अगर इसको आप देखते हो तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये इथिलिन है, नो डाउट। लेकिन जो बाकी फाइटो हार्मोन से एक बार सभी के स्ट्रक्चर को देख के रख लीजिएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ आपको याद ही करना है, लेकिन देख भी लेने से क्या होता है कि मान लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा पेपर को टफनेस की तरफ लेके चले जाते हैं क्योंकि ऐसी चीजें बच्चा जल्दी याद नहीं रखता है। लेकिन वॉट यू कैन डू कि आप कुछ स्ट्रक्चर को याद मतलब एक बार देख के रख लीजिए, जिससे होगा ये कि कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको पहचान पाएंगे। और मतलब एक बार भी देखा होगा और मान लीजिए आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप उसको आराम से पहचान लेंगे। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर ए होगा। आपके सामने मैंने पिक्चर यहाँ पे लेकर मतलब दिखा के रखा है, यहाँ पे इन्होंने CH2 एंड COOH मतलब कि दोनों कार्बन को इन्होंने शो करके रखा है, और यहाँ पे ब्रांचिंग डायग्राम के फॉर्म में शो होके रखा है। इसके अलावा मेरे पास और भी पिक्चर है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मेनली अलग अलग फाइटो हार्मोन की, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब इंडोल कंपाउंड ही है, क्योंकि इसमें सिंथेटिक एंड नेचुरल दोनों ही ऑक्सिन का मैंने सारा डायग्राम शो करके रखा है। आप एक बार देख के रख सकते हैं। एक जो कॉमन चीज़ है सभी में वो है इंडोल ग्रुप, जिससे कि आप पहचान सकते हैं मतलब कि पॉसिबल है। तो कुछ एक आध चीज़ें अलग अलग आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन एक जो कॉमन बेसिस पे अगर हम चलते हैं तो इंडोल कंपाउंड जो है एक कॉमन बेसिस पे आपको हिंट देने का काम करता है। बाकी जो रेस्ट फाइटो हार्मोन है उसके स्ट्रक्चर को आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन मैच द फॉलोइंग मैच द मॉडिफाइड ऑर्गन इन ग्रुप वन विद देयर करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप फॉर्म इन द ग्रुप टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ग्रुप वन को ग्रुप टू से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। तो देखिए अब ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं लाइक आई डोंट नो, आई थिंक दिस इज नॉट इन माई पार्ट, बट ओके फाइन, लाइक आई वॉज हैविंग अ नोट्स, तो दैट इज वाई मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे रही हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा क्लासिकल पोर्शन में चला जाता है। प्लांट जो मेन प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें से नहीं रहता है ये एक कोर बॉटनी पोर्शन में चला जाता है, जो क्लासिकल बॉटनी पोर्शन होता है। एनी वेज लेट्स सी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोला है कि टेंड्रिल्स इन ग्रेप वाइन्स, टेंड्रिल्स इन गार्डन पी, स्पाइंस एंड थ्रॉन्स, इन सब को हम किसका मॉडिफाइड फॉर्म मानते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली ऐसे ही नहीं प्रोड्यूस हुए, ये किसी ना किसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। ऑप्शन में इन्होंने सिर्फ मॉडिफाइड स्टेम एंड मॉडिफाइड लीव्स देकर रखा है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो जो टेंड्रिल्स होते हैं ग्रेप वाइन्स में, दे आर द टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। ओके, जो ग्रेप वाइन्स में टेंड्रिल्स देखे जाते हैं दे आर द टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। मैं आपको डिटेल भी अभी शो कर दूंगी। जो टेंड्रिल्स हम गार्डन पी यानी मटर में देखते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं मॉडिफाइड लीव्स। स्पाइंस की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइंस आर द टाइप ऑफ मॉडिफाइड लीफ अगेन, एंड थ्रॉन्स की बात करते हैं तो दे आर द मॉडिफाइड स्टेम। ओके, इसका डिटेल मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए जो टेंड्रिल्स होते हैं ग्रेप वाइन्स के दे आर द टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, वही हमने यहाँ पे भी किया कि टेंड्रिल जो है दे आर द मॉडिफाइड स्टेम। मेनली अगर हम ग्रेप वाइन्स की बात करते हैं मतलब ये जो आप देख रहे हो ना ये टेंड्रिल्स, ये जो है मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, मेनली ऑक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम देखे जाते हैं ये। नेक्स्ट अगर पी प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो पी प्लांट के जो टेंड्रिल्स होते हैं वो अराइज होते हैं लीव से,
और मदद करते हैं प्लांट को क्लाइम करने में। और हमने यहाँ पे भी वही किया। जो गार्डन पी प्लांट है ये जो है मॉडिफाइड लीफ का फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्पाइंस की, ये देख सकते हैं आप जो कैक्टस के सरफेस पे देखे जाते हैं, ये स्पाइंस क्या होते हैं? दे आर द मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, ये मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। हमने भी यहाँ पे यही पिक किया। स्पाइन जो है ये मॉडिफाइड लीव का फॉर्म होते हैं। और ये जो आप देखते हो मतलब जो कांटे की तरह एक मतलब यू नो अपियरेंस होता है प्लांट में, जिसे हम मेनली थ्रॉन्स कहते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक टाइप के मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। वही हमने यहाँ पे पिक किया है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, मैच करें अगर हम, तो पी जो है पी वन के साथ मैच हो जाएगा। ओके, यहाँ पी वन के साथ मैच हो गया, यहाँ भी है। एंड क्यू टू के साथ मैच हो जाएगा, आर टू के साथ मैच हो जाएगा, एंड एस वन के साथ मैच हो जाएगा। तो इस बेसिस पे अगर हम कहते हैं तो हमारा ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन दिस इज फ्रॉम एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर या फिर फ्लावरिंग प्लांट आप कह सकते हो, जो हमने अरेबिडोप्सिस के केस में पढ़ा था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखने में लगा कि कॉम्प्लेक्स होगा, बट जब आप इसको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही सिंपल सी बात पूछी गई है। बोला है द डायग्राम डिस्क्राइब द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर पैटर्निंग इन अरेबिडोप्सिस वेयर द एबीसी फंक्शन आर ऑपरेशनल इन द रोल 1+2 2+3 एंड 3+4 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब इनका ये है कि ए रोल में खाली, फर्स्ट रोल में खाली ए काम करता है, सेकेंड रोल में ए प्लस बी काम करता है, थर्ड रोल में बी प्लस सी काम करता है, एंड फोर्थ रोल में मेनली सी काम करता है रेस्पेक्टिवली इन द वाइल्ड टाइप फ्लावर। इन अ वाइल्ड टाइप फ्लावर ओके, बोला है रिमूवल ऑफ ए और सी, ए और सी को अगर रिमूव कर देते हैं, फंक्शन रिजल्ट इन द फ्लोरल ऑर्गन अरेंजमेंट एज कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। तो अगर आप ए या फिर सी को अगर आप रिमूव कर देते हो तो अरेंजमेंट जो है, अगर आप ए को रिमूव करते हो तो इट विल बी कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल, और अगर आप सी को रिमूव कर देते हो तो इट विल बी सेपल पेटल पेटल सेपल रेस्पेक्टिवली। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर पाथवे इज करेक्ट फॉर द फ्लोरल ऑर्गन पैटर्न जनरेशन? एरो इंडिकेट एक्टिवेशन एंड बार इंडिकेट इनहिबिशन। तो ये जो एरो है ये आपको एक्टिवेशन के बारे में बता रहा है, और ये जो बार है ये आपको इनहिबिशन के बारे में बता रहा है। तो बोला है कि जब ए को इनहिबिट कर दिया जाता है, या फिर बोल दीजिए आप बोल सकते हो कि जब ए म्यूटेट हो जाता है, तो जो फिनोटाइप म्यूटेंट फिनोटाइप हमें देखने को मिलता है वो होता है कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल ओके। और जब सी को म्यूटेट कर दिया जाता है तो जो हमें म्यूटेंट फिनोटाइप मिलता है वो होता है सेपल पेटल पेटल सेपल। अब बोला जा रहा है इससे क्या पता चल रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है वैसे तो इन्होंने जो बातें बोली हैं उसको देख के भी हम बता सकते हैं, मतलब अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है फिर भी आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने आपको एबीसी मॉडल पढ़ाया है तो मैंने दो चीजें आपको पढ़ाई हैं। पहला पॉइंट कि ए एंड सी दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली एंटागोनिस्ट होते हैं, जहां ए काम नहीं करेगा वहां सी एक्सप्रेस करेगा, जहां सी काम नहीं करेगा वहां ए एक्सप्रेस करेगा। और दूसरा ये चीज कहा था कि बी हमेशा एसोसिएशन में ही एक्सप्रेस होगा, चाहे वो ए के साथ हो चाहे वो सी के साथ हो। तो ये जो इन्होंने ए और सी का रिलेशन पूछा है, हमें पता है कि ये म्यूचुअली एंटागोनिस्ट है, म्यूचुअली एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं। ए ऑप्शन में देखिए ये एरो दिखा रहा है ये दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि गलत है। बी ऑप्शन में दिखा रहा है कि ए सी को एक्टिवेट करता है, सी ए को इनहिबिट करता है, जो कि अगेन गलत है। सी ऑप्शन में दिखा रहा है ए सी को इनहिबिट करता है, सी ए को इनहिबिट करता है। इसे हम कहते हैं म्यूचुअली एंटागोनिस्ट होना। ये जो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है उसी के अकॉर्डिंग ये भी डायग्राम है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाता है। डी बोला है ए सी को इनहिबिट करता है और सी ए को एक्टिवेट करता है, जो कि गलत हो गया। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो गया आंसर सी ओके। तो इसके साथ हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट सेशन में।
नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या PhD का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।